तो भाई लोग सब लोगों का यही दिक्कत रहती है कि टूटी ऑयल कितना ले, हम कैसे ले, कौन सा ले। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमें कि कौन सा टूटी ऑयल यूज़ करना है और 1 लीटर की क्वांटिटी में हमने कितना तेल यूज़ करना है। बहुत लोग कई बार कम तेल भी यूज़ करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के टूटी ऑयल हैं। एक तो हम ये स्टील लेंगे, ये भी स्टील है, पर ये जो डुप्लीकेट पैकिंग आती है स्टील की टूटी ऑयल में, ये हम इसे नहीं यूज़ करेंगे। हम 1 लीटर की जो जेन्युइन पैकिंग आती है स्टील में, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं, क्योंकि लोगों के पास जेब वाला तेल भी रहता है टूटी ऑयल का, दूसरे वाला। तो इसलिए हम इसका भी बताएंगे कि इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है, और इसका भी बताएंगे कि इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमने 1 लीटर पेट्रोल ले लिया, ठीक है। तो 1 लीटर की पेट्रोल की क्वांटिटी में हम इसको जो लेंगे, इसको हम 40 ml लेंगे, ठीक है। और हम इसको अभी नहीं डालेंगे, हम यूज़ करेंगे ये स्टील वाला टूटी ऑयल, क्योंकि ये जर्मन ऑयल है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो आपको बताते हैं कि ये हमने पैमाना ले लिया है। एक तो इस पैमाने में पूरा मेजर है कि ये 10 ml, 20 ml, 30 ml और 40 ml, ठीक है। तो इस पैमाने को ज़रूर किसान भाइयों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप टूटी ऑयल की कमी कर देंगे पेट्रोल में, तो आपके इंजन सीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब अगर आपकी कमी हो गई या आप डालना भूल गए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है टूटी ऑयल से। तो हम टूटी ऑयल डालेंगे इस पैमाने से। तो ये हमने ले लिया है टूटी ऑयल 20 ml। तो अब हम इसको पेट्रोल में मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसको मशीन में डालेंगे और यूज़ करने के लिए, फिर ये एकदम रेडी है। आपको 20 ml ही यूज़ करना है अपने स्टील का जो टूटी ऑयल है 1 लीटर की क्वांटिटी में। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे आपके पास है पेट्रोल 2 ml 2 लीटर है, तो 2 लीटर में आप यूज़ कर सकते हैं टूटी ऑयल 40 ml स्टील वाला। तो अभी हम जर्मन जो स्टील का ऑयल आता है, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे वीडियो को लाइक